लगातार हर एक चौक चौराहे पर जो है गिरिराज सिंह बेगूसराय के सांसद का पोस्टर लग रहा है, उनके लापता होने का पोस्टर लग रहा है। अभी हमारे साथ जो है कांग्रेस के नेता हैं सार्जन सिंह, उनसे हम बात करेंगे कि किस चीज़ को लेकर के क्यों पोस्टर लगाया जा रहा है। क्या लगाया गया नहीं कह सकते हैं, लेकिन मैंने जरूर कहा कि बेगूसराय की सांसद ने बेगूसराय का कभी हाल चाल बेगूसराय के लोगों को नहीं जगह जगह हम लोग जाते हैं, हर जगह लोगों का शिकायत मिलता है और लोग कहते हैं कि बेगूसराय का सांसद ने बेगूसराय को कोरोना में कहीं नहीं कुछ पूछा। कई उदाहरण हैं, आपको रामपुकार महतो आया दिल्ली से चल कर फिर उसको कोई सांसद जी ने नहीं पूछा। दूसरे लोगों ने तेजस्वी जी ने उसको 1,00,000 रुपया से मदद किया, हम तो सबसे पहले खुद मदद किए। तो लोगों को बेगूसराय के सांसद से लोगों को पूछने का बेगूसराय की जनता को अधिकार है और लोग पूछ रहा है, वो अपने खुद का पता है। तो हमने जरूर बेगूसराय के आवाज़ बनकर ये आवाज़ उठाए हैं। आज बेगूसराय के सांसद केंद्रीय मंत्री हैं, उनको कम से कम चाहिए कि बेगूसराय में 500 बेड का अस्पताल तुरंत बनना चाहिए। केंद्रीय मंत्री का बहुत फास्ट पावर होता है, तुरंत बनाना चाहिए। आज बेगूसराय की जो स्थिति है आपको सही जांच नहीं हो रहा है, लोग यहाँ से पटना जा रहे हैं, पटना में कहीं लोग भर्ती नहीं ले रहा है, लोग मर रहा है। तो हम बेगूसराय के सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते हम ये बेगूसराय सांसद से मांग करते हैं कि सांसद महोदय, बेगूसराय की जनता ने आपको जिताने का काम किया है, आपने बेगूसराय को मरने पर छोड़ दिया है, 31 तारीख तक लॉकडाउन है, आप आकर यहाँ कम से कम 31 तक घोषणा कर दें कि बेगूसराय में 500 बेड का अस्पताल बनेगा, नहीं तो हम अंतिम में हम 10,000 का राशि जो दिए हैं दोगुना हमको करना पड़ेगा। क्या लगता है 1 तारीख तक में सांसद महोदय मिल जाएंगे? अब हम क्या कहें, हम तो अनाउंस किए हुए हैं, अब लोग जो खोज कर लाएंगे, हम रुपया रखे हुए हैं, देंगे रुपया। जैसे बीजेपी के कार्यकर्ता लोग का कहना है कि वो आए नहीं है, लेकिन फिर भी जो है कार्यकर्ता लोग उनके कहने पर कार्यकर्ता लोग सब जगह घूम घूम के अब कार्यकर्ता को बेगूसराय के जनता है उसको तो घूमना ही चाहिए। तो बीजेपी का बीजेपी के कार्यकर्ता तो हमको भी यही बात कहा कि सर सांसद के बारे में आप लोग नहीं बोलते हैं, तब सांसद लोग हम लोग कुछ वो नहीं करते, वही लोग हमको भी कहा है, उसी लोग दल के लोग हमको कहा। तो बीजेपी के लोग नहीं घूमेगा, हम नहीं घूमेंगे, कोई दल नहीं घूमेगा, घूमना ही चाहिए लोगों को। इस संक्रमण बीमारी में बीजेपी का लोग हो या भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी हो या राजद हो या कांग्रेस हो, जो भी लोग हो, हर आदमी का ये अधिकार है कि हम जनता का आवाज़ बने। तो लोकल लोग का आवाज़ बनिए रहा, कहाँ कह रहे कि बीजेपी के लोग आवाज़ नहीं बन रहा है, कहाँ ने उसका वर्कर कहाँ बन रहा है, लेकिन सांसद जी नहीं पूछे। सांसद जी पर सवाल है, बीजेपी के वर्कर के साथ थोड़े मेरा सवाल है, बीजेपी के वर्कर से थोड़े ही सवाल पूछ रहे, हम तो बेगूसराय सांसद से पूछ रहे हैं, बेगूसराय के बीजेपी के लोग से काम पूछ रहे हैं। बीजेपी के लोग तो रोज मिल रहे हैं, रोज कुछ काम कर रहे हैं, लेकिन बेगूसराय का सांसद कुछ नहीं कर रहे हैं। बेगूसराय के सांसद को चाहिए, केंद्रीय मंत्री हैं उनको चाहिए तुरंत बेगूसराय में 500 बेड का अस्पताल बनाना। मैं इसके लिए उनको खोज रहा हूँ कि बेगूसराय में आपने सब जगह का सांसद कुछ कुछ कर रहे हैं, लेकिन बेगूसराय सांसद कुछ नहीं कर रहे हैं, मंत्री भी है। आप इस पर अगर नहीं बचाएगा तो बेसी लोग मर रहा है कोरोना में, आप हॉस्पिटल का हालात देख लीजिए, सब जगह कहीं कोई व्यवस्था ही नहीं है, जो होना चाहिए व्यवस्था व्यवस्था नहीं है। तो स्वास्थ्य मंत्री क्या कहेंगे कि खराब हो रहा है, स्वास्थ्य मंत्री हैं तो अपना बारे में कभी नहीं कहे खराब नहीं हो रहा, बढ़िया हो रहा है, लेकिन हो रहा क्या धरातल पर आप लोग जानते नहीं, धरातल पर क्या हो रहा है उसको देखिए, हम क्या कर रहे हैं हमसे नहीं मतलब, हम जो बोल रहे हैं वो सही है, लेकिन धरातल पर काम होना चाहिए, धरातल पर कुछ नहीं हो रहा, धरातल के बारे में हम जानते हैं कि काम नहीं हो रहा। सिंह मौजूद थे, उन्होंने बताया कि जो है गिरिराज सिंह के द्वारा लगातार बेगूसराय में कोरोना लॉकडाउन में जो है किसी प्रकार कार्य नहीं किया गया, जिसको लेकर के जो है उन्होंने इनाम भी रखा है कि जो उन्हें खोज कर लाएंगे। अब देखने वाली बात होगी कि क्या 1 तारीख तक में गिरिराज सिंह मिल पाते हैं या नहीं। देखते रहिए तब तक के लिए बेगूसराय टाइम, और मैं हूँ।